बचपन में वाले साहब हो तो गए, मैंने जिप्पे बैगों को लगाई, मैंने गोटा किनारी बनाई, मैंने रेडीमेड कपड़े सिए। मेरे वाले साहब जब हो तो गए ना, हमारे बहुत बुरे हालात हो गए थे। थिएटर में भी जाके वक्त जाया किया मैंने, मुझे अब समझ आई जब वक्त गुजर गया। वसीम भाई से मैंने कहा मेरी मम्मी हॉस्पिटल में दाखिल है, वो जिंदगी मौत की घड़ियां गिन रही है। तो उन्होंने मेरी हेल्प की और मेरी माँ के लिए सारे आर्टिस्टों से पैसे लिए, लेकिन वो नहीं बच सके। सब बातें तो करते हैं, हम हैं, लेकिन अल्लाह के सिवा कोई किसी का नहीं है। घर का किराया भी 10,000 है, दुकान का किराया भी 10,000 तो बहुत मुश्किल हो गया हुआ इस वक्त में निकलना। कुछ नवी लड़कियां आ गई हैं, उन्होंने पुराने एक्टरों का बेड़ा गर्क कर दिया जी। मैं थिएटर स्टार्ट किया 22 च छोड़ दिता। जो लॉकडाउन आया, कुछ हालात एह जो हो गए, कुछ नवी लड़कियां आ गई हैं, उन्होंने पुराने एक्टरों का बेड़ा गर्क कर दिया। पुराने हूं कोई पुछता ही नहीं, जड़ियाँ नवी आईया ने, कोई कितों आईया ने, कोई कितों आईया ने। उन्होंने कहा जी सीटा, कोई सीटा लवाण वाला भी कोई रौला है? पहले तो कभी इस तरह का रौला सुनिया ही नहीं सी कि सीटा लवावे सानू काम दियो। तो हूँ जड़ियाँ आ रही ने, वो कोई 10 सीटा लवा रही ने, कोई 5 सीटा लवा रही ने, कोई इस तरह। तो हूँ मैनू एक प्रोड्यूसर ने कहता, मतलब प्रोड्यूसर लाने च होंगी जाहिर है, वो भी पैसा लाया होंगे उन्होंने भी। उन्होंने कहा जी शेख साहब तुम भी सीटा लवाओ ते काम करी जाओ। तो हूँ मैं सादी जी बंदी, मैं ना सीटा लवावा ना मेरे को बंदे, मैं कितों बंदे लिया 5,000 की एक सीट लवाने वास्ते। तो लिहाजा मैं खैर बात कह दिता। हूँ मेरा एक तो सिलसिला पूरा नहीं सी घर का चलता, एक मैं ड्रामा करना, दूसरे की परेशानी पै जाती होंगी सी कि किस तरह करिए। हूँ अल्लाह नबी वारस है, बस अल्लाह के आसरे से काम करती रही। बाकी फील्ड के खानदान च बाद मैं इस फील्ड के आई, मैं शौक सी तो मजबूरी बन गई। सीटा का मतलब यह होंगे कि हूँ 700 सीट हैगी हाल के फ्रंट सोफा, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब न जेड तक जाती है गिनती। ठीक है, कोई 3,000 की भी सीट है, कोई 500 की भी सीट है, कोई 2,000 की भी है, कोई 5,000 की भी है। इस तरह सीटा लगदियां ने, मतलब कि हूँ मैं जो तुम्हें कहा कि आओ ड्रामा वेखो मेरा, तुम बुकिंग तो टिकट लवोगे, तो टिकट लोगे, मैं कहूँगी जी मेरे लो आए ने, मैं भेजे ने। तो फिर यह होंगे कि 10 सीटा लग जाने, 5 लग जाने, औरत की हिम्मत जी लवा लवे तो वह काम करी जाएगी। लेकिन पहले वक्त के जो तो मैं फील्ड चीन हुई सा उदो माशाला लेडी डॉक्टर उदो भी है सन, तो हूँ भी उन्होंने एक ना है जिन्हों मैं काम किया। तो पहले वो पूछते होंगे सन आर्टिस्ट कहरा है, फलाना है, रुमाना जी है, शिबा हसन साहबा है, सुहेल साहब है, मस्ताना साहब है, अपना कवि साहब है, तो लेजेंड एक्टरों के नाम पूछते थे। अब जो पूछते हैं जी गाने कितने हैं, लड़की कौन सी है, आर्टिस्टों का तो पूछते नहीं है, अब गानों का पूछ रहे हैं। तो पहले ड्रामे 3 घंटे के होते थे, अब ड्रामा भी 1.5 घंटे का हो गया हुआ है। बहुत चेंज आ गया ना वक्त के हिसाब से, और चेंज लाने वाले भी हम जैसे ही लोग हैं। अब कहते हैं ना कि वक्त के लिहाज से हर चीज़ चेंज हो जाती है, तो थिएटर भी देख ले आप। मुझे 3 बातें याद हैं, 3-4 आर्टिस्ट जो अल्लाह को प्यारे हो गए हुए हैं, उन्होंने कहा कि अल्लाह जन्ना नसीब करे नुसरत फतेह अली खान साहब, कुआली तो अभी चल रही है। नुसरत फतेह अली खान साहब ने कहा था मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊँगा तो कवाली ख़त्म हो जाएगी, वो चीज़ नहीं है। नुसरत अपना सेकंड आ जाए सुल्तान राय साहब को, उन्होंने कहा था मैं फौत हो जाऊँगा तो इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, हो गई। मैडम नूर जहाँ अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा कि मैं मरूंगी तो गायकी ख़त्म हो जाएगी, तो गायकी भी ख़त्म। अब वो पुराने दौर के गाने आज भी चल रहे हैं, लेकिन अब जो सॉन्ग आ रहे हैं वो वक्त ही आते हैं, 4 दिन चले, 5वें दिन वो बंद। ठीक है, और थिएटर के हवाले से अमान साहब, मस्ताना साहब, बब्बू साहब, इनका कहना था कि हम लोग चले जाएंगे तो थिएटर ख़त्म हो जाएगा, तो थिएटर ख़त्म हो गया। अब इनको चलाने वाले वो दोबारा चीज़ें वापस आएंगी, तो ये इंडस्ट्री है, ये थिएटर, ये गाने, ये कवालियाँ दोबारा चल सकती है। अब ऐसे लोग नहीं हैं। फैमिली मेरी, वाले साहब मेरे 94 में फोत हो गए थे,
तो वालदा 2007 में फोत हो गई थी। तो मेरा एक भाई है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, वो अपनी मेहनत मजदूरी करता है, मैं इधर अपना मेहनत मजदूरी करती हूँ, मिलके घर का सिलसिला चला रहे हैं। किराए का घर है, ये दुकान भी है, ये भी किराए की है। हाँ जी, घर का किराया भी 10,000 है, दुकान का किराया भी 10,000 है। तो बहुत मुश्किल हो गया हुआ इस वक्त में निकलना, वल्ला ये आसरा दिया हुआ अल्लाह ने। बाकी ये चैनल वाले जो आते हैं, कभी कोई चैनल आ गया, कभी कोई चैनल आ गया, यूट्यूब के जो चैनल चल रहे हैं, इनसे तो अल्लाह की बना है। इन्होंने अच्छा ड्रामा बनाया हुआ है मैडम, हम आपको, इन्होंने ना एक मजाक बना दिया हुआ है। दो चैनल वाले आए हैं जिन्होंने मेरी सुनी है, एक ABH TV और एक वो उज़मा स्ट्रॉन्ग, अल्लाह उनको दोनों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। ABH TV ने भी मेरी सपोर्ट की थी और उज़मा स्ट्रॉन्ग ने भी की। बाकी मैंने को 20 चैनल में इंटरव्यू लेके गए हैं, वो कहते हैं जी हम आपका नंबर चलाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ना वो नंबर चलाते हैं और ना वो कोई रिस्पॉन्स देते हैं, और आगे से जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी काट देते हैं, क्योंकि अपने खिलाफ कोई सुनता नहीं है। अगर आपको आपकी माँ की कसम है कि इसमें से कोई लफ्ज़ भी कटा ना, तो आप दुनिया में भी देनदार होंगे और आखिरत में भी होंगे। गरीब आदमी को मजाक बना लिया हुआ इन लोगों ने। नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था जिंदगी में मेरे साथ थे ये कुछ होना। बचपन में वाले साहब हो तो गए, मैंने जिप्पे बैगों को लगाई, मैंने गोटा किनारी बनाई, मैंने रेडीमेड कपड़े सिए, बहुत मैंने मेहनत की है। मेरे वाले साहब जब फोत हुए ना, हमारे बहुत बुरे हालात हो गए थे, तो अभी भी वैसे ही चल रहे हैं। और थिएटर में भी जाके वक्त जाया किया मैंने, मुझे अब समझ आई जब वक्त गुजर गया, क्योंकि थिएटर में भी उसको हाइट मिलती है जिसके पीछे सपोर्ट होती है, और मेरे साथ मेरे अलग ही सपोर्ट थी और कोई नहीं था। बाकी अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेल साहब को और मेघा जी, ये जो सखी साहब हैं, कैसर सनाउल्ला साहब हैं, इन्होंने लॉकडाउन में मुझे राशन वगैरह भेजा था, तो सेल साहब ने भी मुझे कुछ पैसे भेजे थे। और 2007 में 6 में मेरी वालदा बीमार हुई थी, उनके पेट में पानी पड़ गया था, ब्रेन हेमरेज हो गया, जनरल हॉस्पिटल में ले गए थे उनको, तो मैं सेल साहब के पास गई, नसीमी के पास से गई। सेल साहब ने मेरी माँ की मंथ की दवाइयाँ लगा दी थी, बेटा कोई परेशान नहीं होना, हाँ मैं, तो उन्होंने मेरी माँ की महीने की दवाई लगा दी थी। मैं जाके पर्ची देती थी तो वो मेरी अम्मी की दवाइयाँ ले देते थे, कभी पैसे दे देते थे, कभी दवाई ले देते थे। तो जब मेरी माँ हॉस्पिटल में दाखिल हुई है, जनरल हॉस्पिटल में, तो मैं महफिल में गई, तो मैंने नसीम भाई से मैंने कहा मेरी अम्मी हॉस्पिटल में दाखिल है, वो ज़िंदगी मौत की घड़ियाँ गिन रही हैं। तो उन्होंने मेरी हेल्प की और मेरी माँ के लिए सारे आर्टिस्टों से पैसे लिए, तो मैंने अपनी माँ का इलाज करवाया। ऑपरेशन हुआ उनका दिमाग का, ब्रेन हेमरेज का, लेकिन वो नहीं बच सके, उनका वक्त पूरा हो गया हुआ था। अब मैं बेसहारा हूँ, तो अपना आज मैं बड़ी परेशान हूँ। सब बातें तो करते हैं, हम हैं, लेकिन अल्लाह के सिवा कोई किसी का नहीं है। अभी मेरा सर पे किराया आया हुआ है, घर का भी, दुकान का भी, तो वो बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है, मैं कैसे पूरा करूँगी, काम है नहीं। हुकूमत से भी मैंने अप्लाई की थी, 2-3 बार मैंने दरख्वास्तें भेजी हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई सुनाई नहीं दी, उनको अपनी लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं। हुकूमत भी किसी, वो अपनी लड़ाइयों में पड़े हुए हैं, इतने सासे उसके हो गए। अब मुझे तो ये भी नहीं पता सासे उससे होते क्या हैं, लेकिन यहाँ वह जिंद अपनी है, मुश्किलें हर तरफ है। यहाँ मैंने एक लड़के को
दुकान ली एक लड़के से, ये वाली जो दुकान में बैठी हूँ, उसने मुझे कहा जी मैं मालिक हूँ, उसका नाम अली है, सही नाम मुझे नहीं पता। तो उसने कहा जी मैं मालिक हूँ, आप मुझे ना इतने पैसे दे दें, मेरे पास 30,000 रुपये थे, मैंने उसको दे दिए, अब उससे मांगती हूँ वो मुझे नहीं देता, कहता मैं तेरे के लिए पैसे देने, अगर मैं मांगती हूँ तो मुझसे बदतमीजी करता है। तो सारी दुनिया हर चक्कर अपने में ही है, तो वो लड़का भी मुझे पैसे नहीं दे रहा, नहीं कोई नहीं आया ड्रामे कराने के लिए, और ना ही किसी ने पूछा आज तक कि कैसा जा रहा है तुम्हारा काम, कैसा नहीं जा रहा। ये चमकती दुनिया, यहाँ पे बड़े बड़े आए हैं, मैं मुझे किसने पूछना है, हम कई ऐसे लोग आए हैं जिनका नाम था, उनको नहीं किसी ने पूछा, तो मैं तो कुछ भी नहीं। और ये मैं यूट्यूब वालों को कहती हूँ, चैनल वालों को, कि लिहाजा ये लोगों का मजाक ना बनाएं, और जितना भी जिसका किसी का अगर आता है पैसा, या जो भी आता है हेल्प करता है, कोई अल्लाह के वास्ते करता है या जिस हवाले से करता है, उनको चाहिए कि गरीब का हक ना खाएं। अल्लाह की बड़ी बुरी मार पड़ती है ऐसे उल्टी, सारी जिंदगी तौबा भी करे तो माफ़ी नहीं होगी। नहीं जी मैं आप ही सारा कुछ तैयार करनी है, क्योंकि हले इन्ना बजट नहीं निकल रहा कि जोड़ा मैं कि अपना मुलाजम रख के तो उन्होंने भी पैसे दिया, खर्चा पूरा नहीं होता, इसलिए मैं आप ही सारा कुछ कर रही हूँ, मसाले भी आप लैनी हैं, बाजारों गोश्त वगैरह भी आप ही लेके आनी है, चाय वगैरह भी आप बनानी है, मैं आप ही करनी है, आप ही मसाले मसूले लानी है, खर्चे पूरे नहीं होंगे, तो बंदा लड़के लुड़के रख के होता तो खर्चे किस तरह पूरे करेगा, भाई अच्छा नहीं है, तो ना बंदा आप अपना काम कर ले, हालात कुछ हालात ने साथ नहीं दिया, तो कुछ रिश्ते आए ने उन्होंने फरमाइशा ही अजीब अजीब ने जी, तुम फील्ड च काम कर दो, काम करी जाओ, तो सारा मुंडे घर बैठेगा, कोई कहता जी साडा मकान कमरा उत्ते बना दो मकान बना लो, कोई कहता जी गड्डी लै दो, कोई कहता मोटरसाइकिल लै दो, यहो जे रिश्ते मुंडे वाले भी समझ नहीं आती, वो मुंडे का विह करना चाहते, मुंडे वेचना चाहते, इंसानियत खत्म हो गई है, बेलोस कोई नहीं है अजकल के वक्त, हूँ कुड़िया बेचारिया घर च मेरे अड़ियाँ बैठिया बुढ़िया हो रही ने, वो ऐसे ही ना उन्होंने को पैसे आने ने, तो ना मुंडे वाले पैसा दे सकती ने, तो ना उन्होंने विह हो सकते ने। गवर्नमेंट उन्होंने पैगाम दे दे के मौजूदा हुकूमत जो गुजस्ता हुकूमत जी जी लंघ गई है, उन्होंने गवर्नमेंट ने बड़ा मैं एप्लीकेशन दिखनी है, अलहमरा च आर्ट कौंसल की एप्लीकेशन दिखती है जी, आर्टिस्टा की इमदाद आ रही है, आर्टिस्टा की हेल्प आ रही है, लेकिन कुछ नहीं मिले मैं, मिलता उन्होंने है जेडे पहले पढ़े ने जिन्हों के घर चैक जा रहे हैं, मैं ये भी पता है कि घर गवर्नमेंट ने अलहमरा के आर्ट कौंसल ने चैक भेजे ने, लेकिन गरीब आर्टिस्ट के हल कुछ नहीं जा रहा, ना गवर्नमेंट कुछ दे रही है गरीब आर्टिस्ट नू, ते ना कोई आर्टिस्ट मतलब अलहमरा आर्ट कौंसल ना पंजाब आर्ट कौंसल कुछ नहीं हम हेल्प कर रही। हाँ अलबत्ता ए तो चंगे मेरे आर्टिस्ट ने या चंद एक पुराने प्रोड्यूसर ने ओ, जेड़े कि चलो कुछ नहीं कुछ थोड़ा बहुत रहते हैं ना उन्होंने दिलों के बेच, तो जेड़े वो भी पुराने जेड़े आर्टिस्ट ने जेड़े रह गए ने, नवे तो मैं जानती नहीं, 2 साल हो गए ने मैंने छड़िया फील्ड, मैनू नहीं पता कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया, लेकिन आर्टिस्टा च फिर भी प्यार मुहब्बत है एहसास है आवाम दे या अपना ले लो हुकूमत क्या फारग ने सारे। मैं अपने भैन भरावान वेखन वाले जो देश प्रदेश बैठे ने या जेडे अपने पाकिस्तान च ने उन्होंने मैं सलाम पेश करनी हाँ, दिले मेरी उन्होंने यही रिक्वेस्ट है कि अगर तुहाडे कोल किसी गरीब बंदे की कोई हेल्प की जाती है तो वह करो, अल्लाह उहदे अजर च तुहानू बड़ा कुछ देगा, और मेरी दुआ है तुहाडे सारिआं दे नाल, अल्लाह तुहानू सारिआं नू जिंदगी तंदुरुस्ती दे सेहत दे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान च रखे। एक मैं मैडम का फोन आया सी उस्मा स्ट्रोंग दे उत्ते उन्होंने नंबर लिया मेरा, वो अमेरिका च हुंदियां ने, उन्हां दा मेरे कोलों नंबर गुआच गया, मेरा मोबाइल खराब हो गया, LCD उड़ गई मेरे मोबाइल की, तो मैं वो भैन रिक्वेस्ट करनी है जो मेरा प्रोग्राम सुन रही ने देख रही ने
तो मैं व्हाट्सएप के उत्ते अपना नंबर सेंड कर, मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करना चाह रही हाँ, क्योंकि उन्होंने मैं अपनी भैन समझिया। उन्होंने कहा मैं तेरी, तू वड्डी है या छोटी है, जो भी है तू मेरी भैन है और अच्छी दोस्त है। तो मेरे को नंबर हूँ LCD च निकल गया है, तो लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करनी हाँ कि मेरी भैन मेरे नंबर सेंड करे। नहीं जी, मालक रियाज साहब ने भी कोई तंग नहीं किया। हालांकि एक बार असं उन्होंने सैल में गए सैं रूबी ना, तो मतलब असं चार जने गए स, तो असी सानू रस्ता भुल गया सी। तो उन्होंने उन्नी देर तक फिल्म लेट करती सी, कहने मेरे आर्टिस्ट आ रहे ने, लेकिन उन्होंने मेरी इन्नी कोई पहचान नहीं हैगी। अगर जो हूँ मेरा प्रोग्राम वेख रहे हैं तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट है कि सारे आर्टिस्टों के नाल टुरदे नू, मेरी गरीमारी नाल भी टुरो, कि मैं बड़ी मशहूर हाँ इन्हों की सारे की। अल्लाह इन्हों सारे जिंदगी तंदुरुस्ती दवे, और तुहानू भी अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती दवे। तुसी इंटरव्यू लैन ते आ गए हो, अगर मेरा इंटरव्यू खराब होया या जो दिहाड़ियां लाइया तो तुसी देनदार हो मेरे, क्योंकि यूट्यूब वाले ये चैनल जड़े ने इसी तरह ही हो रहे हैं। कुछ चंद एक है ने, एक दो मैं पहले भी तुहानू दस्सिया, ABS TV वाले ते उजमा स्ट्रोंग, अगर इन्हों के तुसी उत्ते जाना चाहते हो ना, अपना नाम बनाना चाहते हो, यह मैं तुहानू कह रही हूँ। मैं तुहाडा नाम का नहीं पता, की नाम अपना? उसामा, 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 मैं तुहानू अपना छोटा वीर हो तुसी मेरे, तो मैं तुहानू भी यह पैगाम दे रही हूँ, अगर तुसी उन्होंने लैवल से जाना चाहते हो तो किसी गरीब का हक ना खाना, तो अल्लाह तुहानू उस मुकाम पर पहुँचाएगा कि जिस मुकाम का तुसी सोच भी नहीं सकते। मारे बंदे का हक खाओगे तो दुनिया के तो है, तो उत्ते भी देनदार हो जाओगे। तो लिहाजा मेरी तुहाडे ते भी रिक्वेस्ट है, तो बाकी जेडे लैके इंटरव्यू जाते हैं बड़े खाब खाते ने यूट्यूब वाले ही, असं इंज कर देंगे, असं वो कर देंगे, असं ये कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं करते हो। दो चैनलों की मैं हूँ भी तरीफ बार बार कर रही हाँ, तो मैं इंशाला नैक्सट भी करती रहाँगी। तो अगो तुम आओ, अगो मेरे को होर चैनल आए तो फिर इंशाला भी मेरी लिस्ट के ना आ जाएगा। तुसी ऐसे तरह खिदमत खलक करो, खिदमत इंसानियत करो, अल्लाह को जाना भी है, असी लोगों ने अल्लाह को भी जाना, सारा कुछ दुनिया नहीं रह जाना। बड़े महाराजा राजा नहीं लैके गए, खाली हाथ गए ने, तो खाली हाथ ही आए ने, तो असी भी खाली हाथ ही आए सा, तो खाली हाथ ही चले जाना। लेकिन गरीब का हक जड़ा वो ना मारना, नहीं तो वो हाँ बड़ी पैरी पैंती जे, तो जो पैंती है ना तो फिर बहुत बुरी पैंती है कि बंदा ना उतरदा रहा ना जमीन का ना समान। क्या मेरिया गल्ला मैं पता कटिया जानिया ने, नहीं होनिया ये भी मैं पता है। यूट्यूब वाले बड़े सलाह ने, यह कट देंगे ने, क्योंकि मैं तेरे फायदे लिए कर रही हूँ। अगर तुम चार दिन लिए चैनल चलना ना, अज मैं गल कर रही हूँ, कल और भी औरत करेगी, फिर होर करेंगे, इस तरह यूट्यूब बंद हो जाएगी, ताड़ा इनकम बंद हो जाएगी आनी, क्योंकि अगले कोई पागल दे गए नहीं जे एडी दूर बैठे कि आर्टिस्टों या किसी गरीब आदमी की हेल्प कर रहे हैं, तो तुम आप ही यूट्यूब वाले खाई जा रहे हो, तो फिर ताड़ा सारा खत्म हो जाएगा काम। अगर इन चलाना है तो मजीद अगर चार आने तुम मिलते हैं ना, तो कोई 15 पैसे अगले बंदे भी पहुँचाओ। ताड़ी भी मेहनत यह नहीं कि ताड़ा हक नहीं, ताड़ा हक भी बनता है। अगर तुम रुपया कमाया ना तो 12 आने उन्होंने पहुँचाओ, चवानी तुम आप रखो, ये ना कहो कि तुम सारे आप ही खा जाओ। तो मेरा नंबर भी है जी 0320-499-4767, ये मेरा अपना नंबर है। तो लिहाजा जो किसी ने हेल्प करनी है या कोई मेरे नाल गलबात करना चाहता है तो मेरे इस नंबर पर राबता करन। तो बाकी उसामा है, अल्लाह नू जिंदगी तंदुरुस्ती दवे, अल्लाह खैर करे। 0320-499-4767 यह मेरा अपना जाती नंबर है। ओके जी, सलाम अलैकुम।